नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से करें। जी हाँ, खबर ये है कि आगामी समय के अंदर जो सचिन पायलट है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और बड़ी जिम्मेदारी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सचिन पायलट को जो बड़ी जिम्मेदारी है वो राज्य प्रभारी बनाने की है। जी हाँ, इन दिनों सचिन पायलट काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए और सचिन पायलट को जो राज्य प्रभारी बनाया जाना है उनमें दो स्टेट के नाम सामने आए हैं, एक है गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो चांस है, जो स्थितियां बन रही है, वो उत्तर प्रदेश की बनती दिखाई दे रही है। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले जो सचिन पायलट है उन्हें कांग्रेस का राज्य प्रभारी अगर बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का बनाया जा सकता है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी सचिन पायलट को बनाया जाएगा तो देखिए क्या मजबूती आएगी कांग्रेस पार्टी को। मेरे पास एक रिपोर्ट है। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर कोशिश करती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ना सिर्फ अभी तक लोगों से मुलाकात कर चुकी है बल्कि देखा जाए तो वो लगातार योगी सरकार को भी घेर रही है। लेकिन इस बीच देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाई है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सचिन पायलट का साथ प्रियंका गांधी को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि प्रियंका गांधी की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से सचिन पायलट जो है वो प्रियंका के साथ अब दिखते नजर आएंगे और किस तरह से सचिन प्रियंका की बड़े स्तर पर मदद भी करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। जैसे कि आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर इन दिनों काफ़ी तेजी से सुर्खियां भी देखने को मिल रही है। सचिन पायलट सुर्खियों में इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि जल्द ही पार्टी आलाकमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आपको बता दें, खबरें हैं कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट को राज्य प्रभारी बनाने वाली हैं। जी हाँ, अभी तक देखने को मिला है कि दो राज्यों का नाम सामने आया है जिनमें गुजरात और उत्तर प्रदेश है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए सचिन पायलट की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी बना सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपती है तो ऐसे में प्रियंका गांधी को सचिन पायलट का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें तो सचिन पायलट का साथ अगर प्रियंका गांधी को मिलता है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रियंका और सचिन मिलकर बड़े स्तर पर कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर मजबूती भी मिलेगी। खास तौर पर अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ पर जाट समुदायों की बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे में सचिन पायलट गुर्जर समुदायों के नेता हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ करने में कामयाब होते हैं तो ऐसे में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर ना सिर्फ जीत मिल सकती है, अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर पार्टी को लेकर बड़ा कदम भी उठा सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफ़ी मायनों में प्रियंका गांधी के लिए अहम देखा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ना सिर्फ प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर कर रहा है बल्कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रियंका ने जिस हद तक कोशिश की है और जिस हद तक वो ताकत लगाती दिखाई दे रही है, इसका साफ मतलब यही कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य प्रियंका गांधी ने रखा है। इसीलिए देखा जाए तो आशंका इस तरह से बन रही है कि सचिन पायलट को कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी बना सकती है। जिस तरह से देखा जाए तो
सचिन पायलट के साथ अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो ऐसे में ना सिर्फ कांग्रेस को मजबूत स्थिति मिलेगी बल्कि वोटर्स को अपनी तरफ करने की भी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अभी से उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जिस तरह से वोटर्स को अपनी तरफ कर रही हैं और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए प्रियंका गांधी ने अभी तक एड़ी चोटी का जोर पूरी तरीके से लगा दिया। प्रियंका गांधी ना सिर्फ दवाइयों के जरिए कोरोना मरीजों का स्थितियों को ठीक करने में उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हैं बल्कि कई अन्य तरीकों से भी उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल प्रियंका गांधी रखती नज़र आ रही है। यानी कि देखा जाए तो प्रियंका गांधी का पूरा पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में प्रियंका गांधी की नज़र पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर सीटें निकालना प्रियंका गांधी के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस जो है वो बीते काफ़ी वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की मौजूदगी देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रियंका को अब सचिन का साथ भी मिल सकता है। तो देखा आपने सचिन पायलट किस तरह से बड़े स्तर पर यहाँ पर जो कोशिश है वो तो करेंगे ही लेकिन प्रियंका गांधी का साथ देखते नजर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि अगर सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश में उतारा जाएगा जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश की दी जाएगी तो क्या फायदा होगा। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट गुर्जर समुदाय के नेता है, गुर्जर नेता है और बहुत अच्छी पकड़ उनकी राजस्थान में भी। ऐसे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पूरी तरह से जाट समुदायों का है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश सचिन पायलट की रहेगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह अपने पाले में करने में कामयाब होते हैं सचिन पायलट तो इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में होगा। और ऐसे में आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि मौजूदा स्थिति जिस तरह की देखने को मिल रही है स्थिति कुछ इस तरह की है कि सचिन पायलट को लेकर आने वाले कुछ दिनों में बड़ा कदम उठाया जाएगा। अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की पूरी जो कमान है वो फिलहाल प्रियंका ने अपने हाथों में संभाल रखी है। प्रियंका ही पूरी तरह से मजबूती के साथ दिखती नजर आ रही है लेकिन सचिन का साथ मिलने के बाद प्रियंका गांधी की स्थिति और ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि सचिन को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो कितनी बड़ी मजबूती कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।